हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों ने तो ट्रेन ज़रूर देखा होगा या फिर ट्रेन का हॉर्न तो ज़रूर सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि ट्रेन का हॉर्न क्यों बजाया जाता है और कब कब बजाया जाता है? चलिए आज हम लोग ट्रेन के हॉर्न के बारे में बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एक छोटा हॉर्न। ट्रेन का ड्राइवर एक छोटा हॉर्न तब बजाता है जब ट्रेन का धुलने या साफ सफाई के लिए यार्ड में ले जा रहे होते हैं, ताकि अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। दो छोटा हॉर्न। आप सभी ने तो दो छोटा हॉर्न सुना ही होगा। इसका मतलब है कि गार्ड से ट्रेन का रवाना के लिए सिग्नल मांग रहा है। तीन छोटा हॉर्न। ऐसा केसेस बहुत कम ही देखने को पर मिलता है। ड्राइवर तीन छोटा हॉर्न तब बजाता है जब इंजन पंप से कंट्रोल खो देता है और गार्ड को तत्काल वैक्यूम ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने के लिए बोलता है। चार छोटे हॉर्न। चार छोटे हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन का टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है और ट्रेन का इंजन आगे जाने की स्थिति में नहीं है। लगातार हॉर्न। आप लोग देखे होंगे लगातार वो हॉर्न बजते हुए। इसका मतलब ये है कि अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, यानी अगले स्टेशन पर बिना रुके पार हो जाएगी। एक लंबा और एक छोटा हॉर्न। एक लंबा और एक छोटा हॉर्न तब बजाता है जब इंजन स्टार्ट करने से पहले ट्रेन ड्राइवर ब्रेक पाइप सिस्टम को सेट करने के लिए गार्ड को संकेत देते हैं। दो लंबे और दो छोटे हॉर्न। ऐसा केसेस भी आमतौर पर बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर ड्राइवर दो लंबे और दो छोटे हॉर्न बजाते हैं तो इसका मतलब है कि ड्राइवर इंजन का नियंत्रण खो चुका है और नियंत्रण लाने के लिए गार्ड को संकेत देते हैं। दो छोटे और एक लंबा हॉर्न। ट्रेन का ड्राइवर जब दो छोटे और एक लंबा हॉर्न बजाता है, इसका मतलब है कि एक तो किसी ने इमरजेंसी चेन खींची होगी या फिर गार्ड ने गलती से वैक्यूम ब्रेक लगाई होगी। दो लंबे और एक छोटे हॉर्न। जब दो लंबे और एक छोटे हॉर्न बजाते हैं, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि वो अपने लाइन से बदल कर दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। दो बार रुक रुक कर हॉर्न। जब ट्रेन का ड्राइवर दो बार रुक रुक कर हॉर्न बजाता है तब रेलवे क्रांसी से होकर गुजर रही होती है, तब दो बार रुक रुक कर हॉर्न बजाता है। लास्ट छः बार छोटे हॉर्न। अगर छः बार छोटे हॉर्न बजाता है, इसका मतलब है कि ट्रेन किसी खतरनाक स्थिति में फंस गया है या फिर फंसने वाला। आपको 11 तरह के हॉर्न के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।